अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा। जी अम्मी। सबसे पहले ये ले, ये क्या? ये कुछ पैसे हैं, आप खरीदारी कर लीजिएगा। ये कहाँ से लाया तू? हमें एक दोस्त था, उसको कुछ महीने पहले उधार दिया था, आज अचानक वापस कर गया। देखा, बेटियों के काम में अल्लाह ताला कितनी मदद करते हैं। सही कहा आपने। हालांकि मैंने दो तीन बार उसको कहा कि यार पैसे, लेकिन वो मेरी बात कही अनसुनी कर देता था। लेकिन आज अचानक देख गया। वो नायला की कॉल आई नहीं, क्यों? मुबारकबाद के लिए। कल माहीन गई थी ना रात को, तो मैंने सोचा शायद मैं कॉल की। नहीं, वो मुबारकबाद तो पहले ही दे चुकी थी, फिर माहीन चली गई तो कॉल क्यों करती? वैसे मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, अजीब सी हरकतें हैं इसकी। हमें मेरी समझ में तो आती है। मेरा मतलब, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बहू बनने के लायक बिल्कुल है ही नहीं, और जैसी ये नजर आती है ना, वैसी नहीं है। अम्मी वो वैसी ही है, वो जैसी नजर आती है वो बिल्कुल वैसी ही है। आपने पता नहीं क्यों अपने दिल में बदगुमानी पाल ली है उसको लेकर। और अम्मी मैं आज से उसको पसंद नहीं करता, हमेशा से उसी को पसंद करता हूं। और एक और बात, मेरी जिंदगी में उसके अलावा वो और कोई नहीं आ सकती। माई थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बस हॉस्पिटल लेके जा रहा थी मैं। मुझसे मुंह मत फेरे। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? किया आपने? सारी रात आपके साथ के ख्वाब देखती रही हूँ, और आप मुझे धोखा देकर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के बातें कर रहे थे। नहीं गुजारने ऐसी तोड़नी जिंदगी मुझे, नहीं गुजारनी मुझे आपके बगैर सांस नहीं आता। मुझे मुझे जिंदा ही नहीं रहना आपके बगैर। ये गाड़ी कौन है? मैं जल्दी गाड़ी से कूद जाऊंगी। कौन है गाड़ी? माई माई संभालो खुद को। नहीं रहना आपके बगैर, नहीं जी सकती माई, नहीं जी सकती। माई